वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स होम सेब सारिका। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ढोकला, जो बहुत ही स्पंजी एंड टेस्टी है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1 बाउल रवा लेंगे, रवा कोई भी लीजिए आप। 1 बाउल बेसन लेंगे, उसी बाउल से हम मेज़रमेंट करेंगे। और 1 बाउल बटर मिल्क लेंगे। अगर बटर मिल्क नहीं है तो आप कर्ड ले सकती हैं, 1/2 कप। टर्मरिक लेंगे 1/2 स्पून, सॉल्ट लेंगे 1 स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। अंदर की फिलिंग के लिए हम 1/2 कप स्वीट कॉर्न लेंगे और कलर्ड कैप्सिकम लेंगे। अगर कलर्ड नहीं है तो आप ग्रीन वाला ही ले लीजिए। 1/2 कप ऑनियन लेंगे फाइन काट के। पनीर लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में, इसमें 1 स्पून मेयोनीज डालेंगे, 1 स्पून ग्रीन चटनी जो हमने ढोकला के साथ बनाई हुई है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ स्पून टमाटो सॉस लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे पिज़्ज़ा के टेस्ट के लिए। सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे सबको। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये हमारा ढोकला का फिलिंग बन रहा है। अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। डिप के लिए जो हम ढोकला में लगाएंगे चटनी, उसके लिए 1 स्पून मेयोनीज, 1 स्पून ग्रीन चटनी, 1 स्पून टमाटो सॉस, रेड चिली तीखा करने के लिए, सॉल्ट थोड़ा सा सबको डालकर, चिली सॉस 1 स्पून और ऑरिगेनो 1/2 स्पून। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके साइड में रख देंगे। हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है और ढोकला में लगाने की चटनी या डिप भी तैयार हो गया है। मोज़रेला चीज़ को हमने घस के रख लिया है। देखिए हमारा ढोकला का पेस्ट अच्छे से भीग गया है। इसको 2 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, इक्वल भागों में। और एक थाली में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे जिसमें हम अपना ढोकला का पेस्ट डालेंगे। अब पहले वाले पोर्शन में 1 स्पून लेमन जूस डालेंगे और 1/2 स्पून इनो डालेंगे। इनो डालने से बहुत ही अच्छा फ्लफी ढोकला तैयार होता है हमारा। डालते ही अच्छे से मिक्स करेंगे और थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। ये काम हमको फटाफट करना है। तुरंत मिक्स करेंगे और तुरंत थाली में ट्रांसफ़र करके हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अच्छे से रख के ढक देंगे। 3 से 4 मिनट स्टीम होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे और फिर जो बनाई हुई चटनी को हम ऊपर से लगा देंगे, अच्छे से पूरे ढोकले में अच्छे से फैला देंगे। और जो फिलिंग हमने बनाई थी उसको चारों तरफ अच्छे से फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करने के बाद थोड़ा सा चीज़ हम अंदर डालेंगे इसमें चारों तरफ। और फिर जो हमने ढोकला बैटर रखा था, फिर उसी तरह हम लेमन जूस डालेंगे, 1/2 स्पून इनो डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी सी लेयर बना देंगे। सारे फिलिंग को हम ढक देंगे इससे। बहुत मोटा नहीं करना है, पतला ही लेयर हमें बनाना है। अच्छे से ढक देंगे और फिर से हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा सा फिलिंग जो हमने बनाया था डाल देंगे पिज़्ज़ा वाला लुक देने के लिए। चीज़ जो हमने ग्रेट किया था चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा ज़्यादा चीज़ डालेंगे ताकि पूरा पिज़्ज़ा वाला टेक्सचर आए हमारा और देखने में एकदम पिज़्ज़ा लगे। फिर से स्टीम होने के लिए रखेंगे।
5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्लफी ढोकला मेरा बना है, और ऊपर से चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इसको राई, कड़ी पत्ता, जीरा और मिर्ची को बीच से दो टुकड़े करके ऑयल में गरम ब्राउन करके ऊपर से तड़का मार दिया है, ताकि हमारा ढोकला का भी लुक दिखे और पिज़्ज़ा का भी लुक दिखे। फ्लेवर हमारा दोनों का मिक्स में रहेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। आप बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। आप अपने मन चाहे आकार में इसको काट सकती हैं, पिज़्ज़ा के आकार में या फिर ढोकला के आकार में, आप जैसा चाहें वैसा कट कर दीजिए। बहुत ही फ्लफी ढोकला बना है हमारा, देखिए मैं काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए अंदर से फीलिंग कितनी अच्छी लग रही है, और कितना स्पंजी जालीदार ढोकला बना है हमारा। टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका। आप बनाइए और सबको खिलाइए। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।